नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। तेज प्रताप यादव ने भगवान शंकर का दर्शन किया है देवघर मंदिर में, और उसके बाद उनका पूजा अर्चना के बाद तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ मांगा है आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन वीडियो में देखिए किस तरीके से तेज प्रताप यादव भगवान शंकर की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सावन का दूसरी सोमवार है, और इस सोमवार के दिन बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो पहुंचते हैं भगवान शंकर के दरबार में। बताएं कि सावन के सोमवार का विशेष महत्व है, ऐसे में तेज प्रताप यादव अपने साथियों के साथ देवघर मंदिर पहुंचे। जब वो निकले थे पटना से, उसके बाद जब वो सुल्तानगंज पहुंचे तो उन्होंने अपनी माँ राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया था वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। उसके बाद उन्होंने जल उठाया वहाँ से, उसके बाद वो रवाना हो गए देवघर मंदिर के लिए गाड़ी से। आज पहुँचे हैं देवघर मंदिर, और उसके बाद उन्हें भगवान शंकर का जो है जलाभिषेक किया है, उनकी पूजा अर्चना की है। बिहार और झारखंड को लेकर के तेज प्रताप यादव ने मांगा है भगवान शंकर से। झारखंड के बारे में कहा है कि सरकार वहाँ पर बदल जानी चाहिए, और बिहार के बारे में भी कहा है कि यहाँ पर नई सरकार आनी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने देवघर मंदिर में पूजा के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए इस बयान में। बोल बोल पीछे चलना भाई, पीछे चलना, अरे संचय पढ़ो ना थोड़ा। और बाहर का बहुत खराब है, बाबा से क्या आप मांगेंगे बिहार के लिए? सबसे ठीक हो जाए और सरकार बदल जाए। झारखंड में भी सबसे पहले सरकार बदलना जरूरी है। अब बिहार चलिए। जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। देवघर मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने भगवान शंकर से बिहार और झारखंड में नई सरकार का जो वरदान है वो मांगा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।